विश्व भर के देशों के बीच चल रहे तनाव और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को देखते हुए रूस अपनी सैन्य योजनाओं और तैयारियों को और मजबूत करता जा रहा है। रूस की सैन्य तैयारियों में हथियारों और परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने से लेकर उनकी संख्या बढ़ाने सहित विभिन्न तरह के युद्धाभ्यास शामिल हैं। उसकी तैयारियों में अपने जासूसी नेटवर्क के विस्तार से लेकर सहयोगी देशों की सीमाओं पर हथियारों की तैनाती भी शामिल है। हाल ही में रूसी सैनिकों ने सामरिक परमाणु अभ्यास के पहले चरण की भी शुरुआत कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस अभ्यास की घोषणा करते समय मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास किसी भी बाहरी खतरे का जवाब देने के लिए रूस की क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ ही रूस और पश्चिम के बीच जारी तनाव के समाधान के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस ने एक बयान में घोषणा की कि सैन्य अभ्यास में भंडारण स्थलों से सैनिकों को परमाणु हथियारों की डिलीवरी, परमाणु मिसाइलों को हथियार देना और मिसाइल लॉन्च से जुड़ी तैयारी शामिल है। अभ्यास के दौरान सैनिक इस्कंदर एम सिस्टम का उपयोग करेंगे जो 9M-723-1 बैलिस्टिक मिसाइलों या 9M-728 क्रूज मिसाइलों को फायर कर सकता है। ये दोनों 5 से 50 किलो टन के बीच की क्षमता वाले परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। रूसी सेना के अनुसार अभ्यास के हिस्से के रूप में सैनिक सिस्टम का उपयोग करते गुप्त तैनाती ऑपरेशन का भी अभ्यास करेंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें विशेषज्ञों और अन्य जानकारों ने आशंका जताई है कि युद्ध बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है और इस बात का अंदाजा रूस को भी होगा और इसी को देखते हुए वो अपनी तैयारियों को तेज करने में लगा है। कुछ समय पहले ही रूस ने अपने पनडुब्बी बेड़े में भी एक परमाणु हथियार को शामिल किया है। इसके अलावा रूस पश्चिम और यूक्रेन के नेटो सहयोगियों पर भी दबाव बनाने की कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। इसी रणनीति के तहत कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने दो नेटो देशों पोलैंड और फिनलैंड की राजधानी को रूस का हिस्सा बता दिया और ये भी दावा किया कि रूस उनको लेकर रहेगा। ऐसे में रूस की तैयारियों और अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही मदद को देखें तो ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई सीधा युद्ध नहीं है। इस युद्ध की आड़ में पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल देशों के अपने अपने हित छुपे हुए हैं।